हेलो दोस्तों, तुम्हारा भाई फिर से आ चुका है एक और तवाईदार गेम प्ले वीडियो लेकर। और मैं आया था चर्च, तो थोड़ी लूट करते हैं यहाँ पे। ऐसे कुछ खास लूट मिली नहीं, बाकी जो भी मिलती है चलो लूटते और निकलते बंदों को निपटाने। तो ऊपर चर्च पर एक बंदा आया हुआ था, तो पहले निपटाते हैं उसे। भैया लूट में इतने व्यस्त थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कोई उन्हें लिफ्ट देने के लिए आ चुका है। तो बोर दादा दिखते हैं पहले तो। चलो बोर दादा को तो दे दी मुक्ति, अब देखते हैं इस बंदे का मूड है कि नहीं मेरी टैक्सी में बैठने का। चलो अमानुल्ला भाई को तो पहुंचाते हैं लॉबी में और थोड़ी लूट करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। तो मुझे यहाँ से एक फायरिंग की आवाज़ आ रही थी, ये भी बोटो के चक्कर में ही निपटने वाला है, तो मेरे को थोड़ी सी झलक दिखती है। और भैया तो कदे ही सफ़ेदी की चमकार हो रखे हैं। चलो अभी ने भी इनका नंबर लगाते हैं। साला गाड़ी में ब्रेक ही नहीं लग रहे हैं, गाड़ी टायर चिकने हो गए लगता है। चलो इसे तो और 12:32:16 भाई को निपटा कर आइट शाइट थोड़ा सा और चेकआउट कर लेते हैं कि कोई और बंदा तो नहीं है, तो लूट करके निकलते हैं यहाँ पे। पूरा मैप घूमने के बाद मैं आता हूँ अपने गांव विलेज, और यहाँ पर एक बंदा देखो कैसे निपटाते हैं उसे। चलो इन भैया का तो कॉफड़ी सेक दी, अब देखते हैं लूट करते हैं इन्हें। और लूटना तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, पहले लूटेंगे। और इतने में ऊपर से मुझे कोई डैमेज देता है तो चलो चेक कर लेते हैं। और ये किसकी शादी की पिक्चर बनाने लग गया। चलो थोड़ी लूट करते हैं, और भाई भी नाराज़ हो रहे हैं। तो लूट करने के बाद में हाल चाल पूछ लेते हैं, शुभ समाचार ले लेते हैं इनके। तो देखते हैं भैया किधर साइड में, इनके हाल चाल पूछेंगे और निकल जाएंगे ऐसे। बाकी अब भैया तो नहीं दिख रहे हैं, तो राउंड लेते हैं और मिलते हैं तो समाचार ले लेंगे, बाकी निकलते हैं यहाँ से। और इस झमक झमक गाड़ी में तो मुझे वैसे ही भाड़ा नहीं मिलने वाला है, तो अपनी वापस से टैक्सी लेंगे और सवारी ढूंढेंगे। तो अपनी यहाँ से मैं लेता हूँ अपनी टैक्सी और निकलते हैं। और मैं यहाँ से निकल ही रहा था कि मुझे यहाँ से बंदों के फुट स्टेप आते, तो मैं आगे जाके रुक गया। RPG की आवाज़, मेरे को लगा कि मेरी तो नहीं छोड़ी किसी ने। चलो अब DP का स्प्रे देखो आप। कैसे भाई कैसे, इतनी स्प्रे देने के बाद में बंदा क्यों नहीं मरा, ये कोई मजाक हो रही है। चलो भाई तो रस करते हैं इस बंदे पे। और मैं जैसे ही इसके घर में एंटर करता हूँ, मुझे 2 से 3 फुट स्टेप आने लग जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि एक साले शायद टीम अप वाले बंदे होंगे, तो चेक कर रहा था मैं कि शायद से कोई बंदा नीचे तो ना आए। बाकी चारों तरफ देख लेता हूँ और रस करने के मूड से आया था, बाकी अब थोड़ा सा वेट करेंगे सही टाइम। और ये तो हमारे महाराज निकलते हैं, तो फिर इन्हें निपटाने के बाद में फिर से मेरे को एक और फुट स्टेप आने लग जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि शायद से वही बंदे हैं और ये बोट अभी स्पॉन हुआ होगा। तो पहले तो भैया को अंधा करते हैं, धूल झोंकते हैं, और पीछे से फिर मेरे को एक बंदा डरा देता है। और ये फिर से अपने महाराज निकलते हैं, तो इन्हें भी आशीर्वाद, इनसे आशीर्वाद लेते हैं। और बस मैं रस करने ही वाला था कि बंदे ग्रेनेड की पिन खींचता है और ग्रेनेड नीचे फेंक देता है, तो थोड़ा वेट करते हैं। और अब इनके भी दिन पूरे हो चुके हैं, तो चलो अब रस करते हैं। और जैसे मैं इसे निपटाता हूँ तो कोई मुझ पर RPG दागता है। बाकी भला हो इन पबजी वालों का जिन्होंने खिड़कियाँ बहुत छोटी बनाई, तो RPG अंदर आ नहीं पाती है। और मुझे एक बंदा यहाँ पर दिखता है, तो कोशिश करते हैं उसे मारने की। चलो अब ये तो बच जाता है, बाकी
एक बंदा मुझे एमके से डैमेज देने वाला है, और वो भी बड़ा टट्टी सा डैमेज देता है। तो चलो पहले इसे चेकआउट कर लेते हैं। तो मुझे तो इधर वो एमके वाला बंदा नहीं दिखने वाला है, तो इसे छोड़ते हैं। और मुझे फिर से फायरिंग की आवाज़ आती है, फिर चेकआउट कर लेते हैं। और बंदा मुझे दिखता है, और इतने में वो चला जाता है कवर में। तो कुछ भी नहीं सोचता हूँ, फिर मैं मारता हूँ एक फ्लैंक। दो मेरे अलावा दो ही तो बंदे बच रहे हैं, तो रश करते हैं। और यहाँ पे मेरे साथ में इतना गंदा वाला स्कैम होने वाला है, और दोनों बंदे मेरे सामने ही। जस्ट मुझे ये कन्फर्म था कि दोनों बंदे मेरे जस्ट सामने ही हैं, तो मैं फ्लैंक मार कर उन पर रश करता हूँ। तो देखना टीबी का स्प्रे। चलो इन्हें तो लगा देते हैं ड्यूटी पे, और अगले बंदे को स्पॉट करने की कोशिश करते हैं। बाकी मेरे साथ में इतना गंदा स्कैम होने वाला है, और ये बहुत बुरी चीज़ है पबजी मोबाइल लाइट में। सबसे अगर बेकार चीज़ है तो बस यही है, और इसके अलावा तो फिर रेड जोन है ही सही अपना। तो मेरे को कन्फर्म था कि बंदा इधर ही है, बाकी पता नहीं कब फ्लैंक मार देता है वो बंदा। और मुझे थोड़ी सी ही आवाज़ आती है, और मैं कोशिश करता हूँ बचने की। बाकी आज तो दाल रोटी से ही काम चलाना पड़ेगा।